दोस्तों, मैंने पीछे दो वीडियो में डीजी नेम के बारे में बताया है कि आप डीजी नेम पे अपना डोमेन कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, यानी कि खरीद सकते हैं। और मैंने वेब डिजाइनिंग यानी कि कुछ डिजाइनिंग भी मैंने आपको करके बताया है पिछले वीडियो में, जिसका लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन पार्ट में दिए गए हैं। और मैंने अपने डोमेन को अपग्रेड, यानी कि मान लीजिए मुझे और अधिक पेज चाहिए तो उसको अपग्रेड कैसे करें, इनके बारे में भी बताया है। तो इन सभी वीडियो को देखने के बाद आगे आपको क्या करना है, उन पर हम आज बात करेंगे इस टॉपिक पे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको नॉलेज के लिए वीडियो को अच्छे से देखें और शुरू से अंत तक देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए हम बात करते हैं। पहले आपको आना है, आपने डोमेन खरीद लिया है, अब उसे आपको थोड़ा एडिट और करना है, सर्च में लाना है। तो सबसे पहले आप लॉग इन करेंगे diginame.in पर, और यहाँ पे अपने सीएसई डिजिटल से आप कनेक्ट कर लेंगे और फिर व्यू अकाउंट पे यहाँ पे आएंगे। जैसे यहाँ पे आएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे हैं ढेर सारे। तो दोस्तों, इन सभी टॉपिक्स के बारे में तो मैंने आपको बताया ही है। तो अभी फिलहाल हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि सर्च, जैसे मान लीजिए हम कोई भी चीज़ गूगल पर सर्च करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैंने एक वेबसाइट बनाया है csemdp.in, जो कि आपको पता भी होगा अगर आप हमारे वीडियो देखते होंगे। तो ये देखिए मेरा सबसे ऊपर में अभी आ रहा है ये csemdp.in। तो ये हमारा जो है ये csc पेज, यानी कि उसमें जितने भी पेज बने उसमें csc का पेज है, जो कि मैंने अभी उतना चीज डिजाइनिंग नहीं किया है। ये देखिए आप सिंपल है। तो ये है, तो इसी पर जैसे आप वहाँ सर्च किए तो उसी को कीवर्ड भी उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे हम आएंगे वेब एंड होस्टिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रिएट एंड पब्लिश पे क्लिक कर लेंगे। इस पर आने के बाद आपको यहाँ पे देखिए हमारा जो भी साइट मैंने बनाया है वो सभी यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो अभी हम आपको फिलहाल ले चलेंगे आपको jksuman.in की जो हमारी साइट है इस पर, क्योंकि मैंने csc.mdp.in में बहुत सारे कार्य मैंने कर लिया है। तो उसको जानने के बाद मैं आपको फिर से शुरू से बताने के लिए हम इसमें jksuman.in पर आएंगे और यहाँ पे देखिए क्रिएट एंड अपडेट वेबसाइट पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो ये हमें न्यू पेज पर लेके जाएगा। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपको एक चीज़ ध्यान दीजिए कि आप देखिए ऊपर में मैं थोड़ा आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब ये हो गया मेरा। अब इसमें सारे चीज़ को सेटअप करना है। सेटअप करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए पेज मैंने बनाया हुआ है, सारा पेज तेज सारी चीज़ आपको मैंने बनाने के लिए बताया हुआ है। परंतु अभी हम बात करेंगे कि इसका सर्च इंजन। यहाँ पे देखिए जैसे आप पेज पे आएंगे तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए एक एडिट का ऑप्शन है, जो कि आप इसका चेंज कर सकते हैं ये नाम। और यहाँ पे देखिए SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन आ रहा है। तो इसमें आप पेज का टाइटल देना है। जैसे आप मान लीजिए कोई पेज ओपन, जैसे मेरा ही आप यहाँ पे देखिए जेके सुमन, यहाँ पे क्या लिखा रहा है csemdp.in, परंतु आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा आ रहा है csc मधेपुरा, ये लिखा आ रहा है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी आप साइट खोलते हैं, जैसे मान लीजिए डिजिटल सेवा पोर्टल की ही आप यहाँ पे साइट खोले तो यहाँ लिखा हुआ है डिजिटल सेवा पोर्टल, परंतु यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है csc ई गवर्नमेंट और डिजिटल सेवा पोर्टल। तो ये, और यहाँ पे एक लोगो भी लगा हुआ है, तो इसी को हम, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक लोगो लगा हुआ है फोटो और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। तो इसको करने के लिए हम फिलहाल पेज टाइटल, यानी कि पेज टाइटल इसे बोलते हैं, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे csc मधेपुरा लिखा हुआ है इसे पेज टाइटल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम जेके सुमन लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जेके सुमन, यानी कि आपको जो भी आपको लगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जेके और सुमन लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे दिया गया है मेट डिस्क्रिप्शन, तो आप चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं कीवर्ड, यानी कि कीवर्ड का मतलब होता है कि सर्च में क्या आना चाहिए। तो हम जेके सुमन तो देंगे ही, बाद में हम सी एस सी यानी कि आपको इंटर टाइप करना है, इसे सटे रहना देना और इंटर टाइप कर लेना है। या फिर जेके सुमन देने के बाद आप एक कोमा लगा सकते हैं या फिर आगे बढ़ेंगे और फिर हम यहाँ पे csc मधेपुरा, जो भी आपको लगे वो सारे कीवर्ड जो कि आपके पेज यानी कि आपके वेबसाइट से रिलेटेड करता हो, जिस भी सर्विस के बारे में आप अपने साइट पर दिखाते हैं या बताते हैं, उन सभी को इस कीवर्ड्स के अंदर आप रख सकते हैं या उसे यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए चूज इमेज का ऑप्शंस आ रहा है यहाँ पे, तो ये प्रीमियम वाले में होता है, इसमें मैंने अभी पैसा
यानी कि मेरा पैसा जो है अभी नहीं कटा हुआ, यानी कि कहने का मतलब ये हमारा जो सिंपल वेबसाइट लिया हुआ है तो इसमें ये ऑप्शंस नहीं आ रहा है। तो चलिए हम इसको अभी फिलहाल यहीं पे सेव करेंगे। ये देखिए स्टार लगा हुआ का मतलब है प्रीमियम है ये। तो चलिए हम आपको दूसरे में ले चलते हैं, जो कि जेके इसी वाले में हम फिर से आपको दिखाते हैं। तो ये दोस्तों क्या यानी कि SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसके बारे में हम जान लिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मान लीजिए इस पेज को हमें ऊपर नीचे करना है इसे, तो यहाँ पे देखिए इसके नीचे जैसे मान लीजिए लगाना है जेके सुमन, इसके नीचे हमें एक पेज लगाना है। जैसे मान लीजिए इस सॉफ्टवेयर को इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखना चाहिए, तो हम क्या करेंगे सिंपली इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा है। अब इस पर जैसे कर्सर ले जाएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे यहाँ देखिए ये ऑप्शन आ रहा है, उसी प्रकार से अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी ऑप्शन आ रहा है, तो इसी प्रकार यहाँ भी एक कॉन्टैक्ट का ऑप्शन। अब इस पर आने के बाद क्लिक होगा और इसे हटाने के लिए फिर दोस्तों क्या करना है आपको, इस पर आना है और फिर यहाँ पे आपको क्या कर लेना है इसे ऑप सेम उसी पर यानी कि फिर हो गया। इसे हटाने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, इस पर क्लिक कर लेना है, तो ये देखिए ऑटोमेटिक ये वापस आ गया। फिर आपको उस यानी कि कॉन्टैक्ट में से हटाने के लिए फिर यहाँ पे देखिए ये एरो देख रहे हैं आप ऊपर मार रहा है तीर, इस पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये बाहर तीनों फिर आ गया। अब ये हो गया, पेज को डिलीट करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे डिलीट करेंगे ऊपर नीचे। मान लीजिए ये कॉन्टैक्ट को हमें बीच में लाना है तो इस पर एक बार क्लिक करेंगे, तो ये देखिए हमारा यानी कि कॉन्टैक्ट बीच में आ गया सॉफ्टवेयर। फिर इसको हम इधर चाहेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे, तो फिर हमारा ये चेंज हो गया। तो ये आप देखिए चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे आप कॉपी कर सकते, मान लीजिए फिर एक पेज बनाना है तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक उसी प्रकार का सेम टू सेम पेज बन गया। अभी फिलहाल हम इसे डिलीट कर लेते हैं, यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा पेज क्या होगा डिलीट हो जाएगा। अब डिलीट हो गया, ये तो होगी दोस्तों बात। अब चलिए हम बात करते हैं, आपको ले चलते हैं आपको हम ये फोटो और ये जो आपको टाइटल दिख रहा है इस पर हम सिंपली अभी फिलहाल इसे पब्लिश पे क्लिक कर लेंगे और इसे हम आपको दिखाएंगे भी कैसे हुआ है पब्लिश करके। तो चलिए ये हमारा पब्लिश हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे इसे न्यू टैब में ओपन कर लेंगे। अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जेके सुमन अलग में आ रहा है, दिख रहा है आपको जेके अलग और सुमन अलग आ गया है, जो कि मैंने पेज टाइटल जो बनाया है। अब चलिए ये तो हो गया, इसे हम क्लोज करेंगे और फिर ये हमारा जो दूसरा है जैसे हम ये पहले से मैंने जैसे कि प्रीपेड यानी कि पैसा देकर अधिक पैसा देकर मैंने 100 पेज वाला लिया है, इसमें आपको यहाँ पे अभी चित्र लाल वाला है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लाल लगा हुआ है, इसे हम हटा के यहाँ पे दूसरा कलर वाला लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए ये हो गया। अब इसे सिंपली ये सारे ऑप्शंस मेरा जो है इस साइट पे क्या हुआ है इस पर मैंने दोस्तों डिटेल वीडियो बता दिया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते अगर आप पहली बार देख रहे हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे फिर पेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सी एस सी जो दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेज टाइटल यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर होम वाले पे आएंगे और फिर यहाँ पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने सीएससी मधेपुरा लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी सीएससी मधेपुरा आ रहा है, तो यहाँ पे हम सीएससी मधेपुरा के जगह अगर सीएससी मधेपुरा लिखे हुए हैं, यहाँ पे देखिए कीवर्ड भी लगा हुआ है मेरा और यहाँ पे मैट कीवर्ड भी यानी सारा चीज़ डिस्क्रिप्शन जो भी चीज़ था यहाँ पे लगा हुआ है। अब यहाँ देखिए सोशल मीडिया इमेज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लगा हुआ है, अब इसे रिमूव करने के लिए हम क्लिक करेंगे, रिमूव पे क्लिक कर लेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। अब फिर से हम चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ये वाला देख लीजिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसे हम फिर से क्या करेंगे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे यूज इमेज। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे देख रहे हैं आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, इसे हम सेव कर लेंगे और फिर यहाँ पे हम सेव पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही सेव हो जाएगा ये हमारा सेव हो गया। और दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन और है, ये फोटो लगाने का एक ऑप्शन और है आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए सेटिंग्स पर आना है आपको, सेटिंग्स पे जैसे ही आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन में यानी कि मेन डिस्क्रिप्शन ये हुआ और यहाँ पे आप लिख सकते हैं और SSL सर्टिफिकेट का मतलब होता है, मेरे साइट में देखिए ताला का ऑप्शन लगा हुआ, इसका मतलब है ऐसा यानी कि सोशल सिक्योरिटी लाइसेंस एक तरह का होता है जो कि आपको यहाँ पे मिलता है। अब यहाँ पे देखिए मेरा एक ये भी टिक लगा हुआ है और यहाँ पे ये फोटो जो भी हम चेंज करके आपको दिखा देते हैं, इसी का बात हम कर रहे थे। यहाँ पे अपलोड इमेज में आएंगे आपको दूसरा दिखाने के लिए, अपलोड इमेज यहाँ पे अपलोड करेंगे और फिर हम और यहाँ से हम इस फोटो को चूज कर लेंगे। अब ये देखिए हमारा हो रहा है दोस्तों, ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, आप इसे ध्यान से, क्योंकि दोस्तों ये साइट अभी सीएससी में जो दिया गया है ये बहुत ही अच्छा है
और आप अपनी पहचान, सीएससी कहते हैं ना सीएससी मेरी पहचान, तो सीएससी मेरी पहचान के तहत ये एक बहुत ही अपने बिजनेस को ऑनलाइन ला सकते हैं थोड़ी, क्योंकि हमें तो उतना डेवलपर बनना नहीं है, हमें उतना कुछ करना है नहीं, हमें सिंपल में अच्छा सा कार्य कर लेना है। अब इसे हम चूज करेंगे, अब ये देखिए आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सेव पे क्लिक कर लेंगे। सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा ये सेव हो गया। अब आपको हम दिखा देते हैं यहाँ से पब्लिश पे, पब्लिश पे क्लिक कर लेते हैं पहले। पब्लिश पे जैसे क्लिक कर लेंगे तो ये हमारा पब्लिश हो जाएगा। पब्लिश होने के बाद हम फिर यहाँ पे क्या करेंगे एक बार इसे, ये हो गया पब्लिश। अब चलिए हो गया पब्लिश, होने के बाद यहाँ पे आएंगे और फिर हम एक बार यहाँ पे रिफ्रेश कर लेंगे। जैसे रिफ्रेश करेंगे हमारा ये डोमेन एक्टिवेट, यहाँ पे देखिए एक बार सर, ओह यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया, रुकिए इसे हम फिर से पब्लिश करेंगे। साइट होल्ड हो गया था, अब ये देखिए पब्लिश हो गया। अब यहाँ पे क्लोज करेंगे और फिर हम इसे क्या करेंगे यहाँ से एक बार घुमाएंगे। अब ये देखिए आ गया, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पिक्चर अभी नहीं आ रहा है, तो चलिए एक बार और फिर, ओ आ गया देखिए ये पिक्चर आ गया। तो आपको दिख रहा होगा कि चेंजिंग हुआ है थोड़ा सा, तो ये प्रीपेड दोस्तों इसमें थोड़ा सा पैसा लगा है। इसमें थोड़ा सा पैसा में आप अपने वीडियो को, वीडियो अगर आप मान लीजिए आप अपने सेंटर का कोई वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पर डाल रहे हैं, तो आप यहाँ पे वीडियो का भी ऑप्शंस मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि वीडियो कैसे ऐड करेंगे, वीडियो डिस्क्रिप्शन, आप अपने बिजनेस के बारे में सारा ऑप्शन दे सकते हैं। मान लीजिए आप अपने शॉप पे कोई ऑफर दे रहे थे कि पेज ऑफर का पेज बना लेंगे, जैसे अभी हमारे पास एक ऑफर चल रहा था नोवो पे आईडी के लिए, जो कि आपको मैंने इसी चैनल पर पिछले वीडियो में बताया भी था। अगर आप अभी भी लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर, ये जो नंबर आपको दिख रहा है ये वाले नंबर, इस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको मात्र इधर जो है यहाँ पे 699 दिया गया है, उसमें आप इसी रेट में आपको अभी भी मिल जाएगा अगर आप लेना चाहते हैं। तो ये देखिए इस प्रकार से मैंने पेज क्रिएट किया हुआ है। तो अब दोस्तों ये तो हो गया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि मैंने सेटअप कर दिया है। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए ये लिंक मैंने डिलीट कर दिया है, ये देखिए मेरा ये, इसे हम चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम इस पर लिंक चेंज करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक लिंक इंसर्ट लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अनदर लिंक लेंगे, कोई यहाँ पे दिखा रहा है अनदर वेबसाइट, और यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम क्या करेंगे इसी का csc.mdp.in का भी यहाँ पे लेके कर लेंगे और फिर यहाँ से सेव कर लेंगे। तो ये हमारा ये सेव हो गया, अब ये हो गया दोस्तों। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये तो हमारा हो गया। अब दोस्तों हम एक चीज़ और हम आपको अभी बताएंगे, उसमें क्या बताएंगे कि दोस्तों आप ईमेल, मान लीजिए आप अपने साइट के साथ कोई, जैसे दिखाते हैं आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या एक सीएससी का जो पोर्टल है, यहाँ पे देखिए आप कहीं पे सपोर्ट होगा, यहाँ पे दिखा रहा है जैसे मान लीजिए यहाँ पे डिजिटल से ई सीएससी, तो आप सीएससी का जो दिखा हुआ है यहाँ पे दिखा रहा है csc.gov.in, उससे पहले आपका support@ लिखा रहा है। तो इसी प्रकार का ईमेल आप कैसे फ्री ईमेल बना सकते हैं आपके वेबसाइट पे। तो ईमेल बनाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों, इसी वाले पे यहाँ पे सेटिंग दिख रहा है, आप यहाँ पे आएंगे नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखिए मेरा मेल आईडी जो बना हुआ है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देख रहा होगा mail@csc.mdp.in, इस नाम से मेरा मेल बना हुआ है। तो अगर और आप चाहेंगे तो आप यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम DNA पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए हमारे पास सारा चीज ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ पे हम सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन सारे दोस्तों को मैं बता दूँ दिया गया है, आप ले सकते हैं। अब एक मेल तो आप दोस्तों बना ही सकते हैं, इतना वेबसाइट लिया है तो एक मेल बना ही सकते हैं बिल्कुल फ्री में। चलिए यहाँ इसमें तो नहीं, अब हम बात कर लेते हैं इस वाले में, आपको मेल बना के दिखाते हैं क्योंकि इसमें मैंने मेल नहीं बनाया। अब इसमें आएंगे और दोस्तों यहाँ पे SLS सर्टिफिकेट मेरा नहीं है, प्रीमियम है तो ये नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो है अब पैसा जो है इसमें, कहने का मतलब इसमें हमारा जो है पैसा यानी कि उतना नहीं कटा है। तो चलिए हम फिर से यहाँ से आएंगे, यहाँ पे इसको क्लोज कर लेंगे और फिर ये वाले पेज हमारे सामने ओपन होगा। इसमें ईमेल बनाने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे देखिए हमारा एक ईमेल, यहाँ पे देखिए योर ईमेल आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक हम जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम दे देते हैं जैसे हेल्प HELP help@jksumn.in। तो हमारा जो साइट है ये हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे यहाँ से सेव पे क्लिक कर लेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये मेल जो है सेव हो जाएगा। देख लीजिए आपको दिखा देते हैं हम, ये हमारा मेल सेव हो गया। अब DNA सेटिंग पे आएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, अब ये हमारा
सेव हो गया। अब फिर यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे देखिए आपका जो है कैसे कैसे क्या सेटिंग कार्ड क्या है आपका वेबसाइट वो सारा आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप प्रीमियम यानी कि हैबी वाले प्रीमियम लिए हुए हैं तो आपको ब्लॉगिंग भी इस साइट पे कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके, यहाँ पे ब्लॉगिंग पे क्लिक करके। अभी हमने ब्लॉगिंग वाला ऑप्शन नहीं लिया है। तो दोस्तों सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और ये जो है फ़ोटो यानी कि आप अपनी वेबसाइट पर फ़ोटो कैसे लगा सकते हैं या फिर आप अपनी साइट का हेडिंग कैसे चेंज करते हैं, इन्हीं सभी टॉपिक पर आज हम बात किए हैं। तो वीडियो उम्मीद है कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर और कोई परेशानी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें, कमेंट करके बताएं क्या परेशानी है, हम उन पर टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में सारे चीज़ को कवर किया है परंतु ये कवर नहीं किया था तो इनको इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दिया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करना ही है, लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और दोस्तों इसे बनाकर आप अपनी पहचान जरूर से ज़रूर बनाए। दोस्तों अगर जो बिजनेस आजकल डिजिटली नहीं जुड़ा हुआ है उस बिजनेस का कोई मतलब ही नहीं निकलता है दोस्तों, क्योंकि आजकल आदमी कहते हैं ना घर बैठे, जैसे अभी CSE में ई कॉमर्स का सर्विस आ गया है तो आप घर बैठे, उस पर भी हम बात करेंगे ढेर सारे आने वाले वीडियो में कैसे क्या करना है, उस पर भी हम सॉल्यूशन बताएंगे आपको। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।